होठवा तोहार जैसे भोर के किरिनिया, अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया। विद्या बुझाला ऐसे जैसे चांद सजौले बाड़े हाय, विद्या बुझाला ऐसे जैसे चांद सजौले बाड़े हाय। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनहुले बाड़े हाय, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनहुले बाड़े। हेलो दोस्तों, जो भी उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट में बैठने जा रहे हैं, ठीक है, आप बैठ लिए हैं इसके पहले भी, कोई भी विद्यार्थी हो, सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर 2023-24 में जो साथियों आपकी परीक्षा होने वाली है यूपी टेट की, उस पर हम खास बातचीत करने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, तो वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, और कौन सी बुक्स लें, बेस्ट बुक्स यूपी टेट के लिए, ताकि हमारा जो साथियों टारगेट है 130 प्लस का, ठीक है, कितना 130 प्लस का, यानी कि 150 नंबर में से 130 प्लस नंबर लेकर आएंगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि साथियों भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और साथियों पिछली बार की तुलना में इस बार जो है बहुत ज्यादा लोग परीक्षा में बैठेंगे, और वही लोग सुपर टेट दे पाएंगे जो साथियों उत्तर प्रदेश की परीक्षा में, शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास हुए होंगे, ठीक है। और आपको पता है कि साथियों 4 से 5 साल हो गए, कितना 4 से 5 साल हो गए हैं और आपका सुपर टेट जो है नहीं आया है, तो सुपर टेट नहीं आया है तो इधर चुनाव भी आने वाला है, तो 100% आपका जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का चयन हुआ है, ठीक है, शिक्षा सेवा आयोग का, उसके बाद साथियों नया नियमावली जारी होगा और इसके बाद तुरंत ही यूपी टेट कराया जाएगा 23-24 में, ठीक है, और इसके बाद ही सुपर टेट तुरंत आ जाएगा, तो आपके लिए जो है बहुत ही जरूरी है यूपी टेट में इतना नंबर लाना, क्योंकि साथियों अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि मांग उठाई गई थी कि यूपी टेट का यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी नंबर जो है फाइनल मेरिट में जोड़ा जाए, तो अगर आपका यहां पर अच्छा नंबर रहेगा तो आपको सुपर टेट में कम नंबर लाना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले कि हमको पहले आपको ये बताते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, ठीक है, जो पहली बार यूपी टेट देंगे, और जो दिए हैं वो भी ध्यान से सुने, आगे कुछ आपको और भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। आपके पास साथियों शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट होंगे। पहला आपका होगा साथियों मनोविज्ञान, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है, ये आपका 30 प्रश्न आएगा और 30 नंबर का होगा, यानी कि एक प्रश्न एक नंबर का, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी ऋणात्मक अंक यहां पर नहीं काटा जाता है, ठीक है, गलत उत्तर के लिए, ठीक है। लेकिन साथियों आपका जो प्रश्न होगा कितना 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे और एक प्रश्न एक नंबर का होगा, यानी कि 30 प्रश्न 30 नंबर, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा आपका मैथ्स होगा यानी कि गणित, ये भी 30 प्रश्न होगा 30 नंबर का। इसके बाद आपका आता है ईवीएस यानी कि पर्यावरण, ठीक है, ये साथियों आपका होगा 30 प्रश्न 30 नंबर का। और ये इसके बाद चौथा आपका आता है हिंदी, हिंदी भी होगा 30 प्रश्न 30 नंबर का हिंदी, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है संस्कृत, अथवा आप संस्कृत के स्थान पर उर्दू ले सकते हैं अथवा इंग्लिश ले सकते हैं, और इसमें भी 30 प्रश्न होगा, यानी कि 30-30 नंबर के 5 सब्जेक्ट होंगे। इस प्रकार हमारा टोटल जो नंबर होगा 150 नंबर का पेपर होगा, और आपके पास साथियों टाइम कितना होगा, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है, तो इस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं 2.5 घंटे बनेंगे, ठीक है। आगे देखिए आपका साथियों क्या पढ़ें, क्या पढ़े और बेस्ट बुक्स हमारे लिए क्या है, ठीक है। आप अगर आपके आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग है तो उसको ज्वाइन करिएगा, अथवा ऑनलाइन भी आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, अगर कर पाते हैं तो, लोग घर पर तैयारी नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो साथियों टारगेट हमारा 130 प्लस है, क्योंकि आगे जो है जो नियमावली आएगी शायद उसमें यूपी टेट का नंबर अगर जुड़ता है तो जरूरी है, ठीक है। तो पहला हमको काम क्या करना है साथियों, प्रीवियस ईयर साथियों लेना है, जितने भी यूपी टेट के एग्जाम हुए हैं अभी तक उनका साथियों आपका आता है यूथ का, ठीक है, यूथ का अथवा घटना चक्र का, यूथ का अथवा घटना चक्र का आता है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू आता है, ठीक है, उसमें हल भी दिया रहता है अच्छे से, तो उसको आपको जरूर लेना है, क्योंकि आपने पिछली बार देखा होगा कि साथियों 80% पेपर जो है प्रीवियस ईयर के आ गए थे, ठीक है, 2017 के पेपर, तो साथियों प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और एकदम लगभग सेम टू सेम मैथ के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन लगभग सेम टू सेम मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आपको यूथ अथवा घटना चक्र का ले लेना है और उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है ताकि सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाए। इसके बाद साथियों सीडीपी आपका जो है, सीडीपी को क्या करना है, सीडीपी यानी कि साथियों मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, ठीक है, बाल मनोविज्ञान, इसके लिए साथियों आपका जो बीटीसी अगर आपने किया है तो उसकी जो किताबें हैं बीटीसी की, वो साथियों आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही बेहतरीन है, उसी में से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बीटीसी की यानी डीएलएड कोर्स का जो मनोविज्ञान की किताबें हैं उसी से साथियों आपका यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बीएड किया है तो आप साथियों मालती सारस्वत का ले सकते हैं,
ठीक है। बाकी इसके अलावा हम तो कहेंगे आप जो है अपना जो टॉपिक है, यानी कि पहले आप क्या करेंगे, सिलेबस निकालेंगे। सिलेबस में आपके सीडीपी में यानी कि मनोविज्ञान में जो जो टॉपिक दिया है, आप जैसे ही साथ यूट्यूब पर सर्च करेंगे वो टॉपिक बहुत सारे वीडियो जाएंगे, तो उसमें से आप एक दो वीडियो देखिए जो आपको समझ में आता है, उसी से आप अपना नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए, उतना ही आपके लिए काफी है। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ने अच्छे तरीके से पढ़ाया है। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जल्द ही क्लास चालू होने वाली है, ठीक है, यहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। आगे आपका ईवीएस आता है। ईवीएस में साथियों मेन पोर्शन आपका रहेगा भूगोल का और पॉलिटी का, ठीक है, और इसमें रहेगा यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी रहेगा, और साइंस के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए साथियों आपका दृष्टि आईएएस, आपने नाम सुना होगा, उसी प्रकाशन का, दृष्टि प्रकाशन का एक आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये साथियों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा यूपी टेट में, ठीक है। और इसका जो साथियों भूगोल, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, साइंस, ये सभी जो आपको पढ़ने हैं वो साथियों आपको एनसीईआरटी बुक से और एससीईआरटी बुक से ही पढ़ने हैं, ठीक है। मैथ की बात करें, गणित की बात करें, आरएस अग्रवाल की बुक आती है अथवा एसडी यादव की बुक आप ले सकते हैं, ठीक है, दोनों में आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी लड़कियों के लिए एसडी यादव, क्योंकि यहां पर मैथ जो है फार्मूले के आधार पर ज्यादा बताया जाता है, ठीक है। आगे देखिए आपका हिंदी है। हिंदी साथियों आप लूसेंट की बुक आती है हिंदी की, अथवा आदित्य पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं, ठीक है, आपके लिए काफी हो जाएगा उतना ही पढ़ना। बाकी आप किताब लेने का ये मतलब नहीं है सब किताब रट डालना है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, यूपी टेट के सिलेबस में है, केवल उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो आप अपने सिलेबस में, अपने हिंदी में देखिए कौन कौन से टॉपिक दिए हैं, जैसे वर्णमाला दिया है, वर्णमाला, ठीक है, इसके बाद संज्ञा सर्वनाम, तो यही टॉपिक आप पढ़िए किताब से और उसको टिक कर लीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से पढ़ाई करना है, पूरी किताब नहीं पढ़ना है। संस्कृत के लिए आपको साथियों विजयी भवा, सर्वज्ञ भूषण सर की विजयी भवा आपको ले लेना है, ठीक है, उसी में से सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। बाकी आपका साथियों इंग्लिश है। इंग्लिश में आप लूसेंट जनरल इंग्लिश आता है, क्लास 10 लेवल का आप ले सकते हैं। तो ये किताबें आपके लिए थी। बाकी साथियों आपको प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन या ऑफलाइन जरूर ज्वाइन करना है, बहुत ही फर्क पड़ता है, आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, कितने टाइम में हमको कितना क्वेश्चन करना है, ये सभी आप साथियों जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, ठीक है, तभी आपको साथियों पता चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको साथियों जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर हमने बहुत सारे यूपी टेट सी टेट के नोट्स डाल रखे हैं, ठीक है, फ्री में, तो वहां पर आप जाकर उसको पा सकते हैं। बाकी जानकारी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ती रहती है। तो ये चीजें थी आपको साथियों, प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और इसी तरीके से आपको जो है पढ़ाई करना है। उम्मीद है आपको जो है अच्छा नंबर मिलेगा। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाकी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।